तो आज हम लोग सीखेंगे कि भाई कुदरती चीज़ें कौन सी है और इंसान के जरिए बनाई हुई चीज़ें कौन सी है। हमने एक बार सीखे थे कि हम जानदार और गैर-जानदार किसको कहते हैं, सीखे थे ना, है ना? पता है जानदार जानदार किसको कहते हैं हम लोग? जानदार और गैर-जानदार, है ना। अब हम सीखेंगे भाई इंसान ने कौन सी चीज़ें बनाई है और कौन सी कुदरती तौर पर, मतलब ये पहले से दुनिया में है। ठीक है, तो इसमें फ़र्क कैसे करते हैं हम लोग, देखो। सबसे पहले तो बहुत सारी चीज़ें देख, अभी हम कहाँ पे बैठे हुए, घर में, ठीक है, घर के अंदर बैठे हुए। किसने बनाया हुआ है? यानी मिस्त्री ने बनाया, यानी मिस्त्री कौन है? इंसान है, इंसान ने बनाया है। अब इस घर को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल हुई है? ठीक है, ईटकर हुई, सीमेंट हुआ, फर्ची हुई, पत्थर हुए, सब इस्तेमाल हुए। ये सब चीज़ें किससे बनती है? ये बनती है पत्थर के चूरे से बनते हैं, पत्थर से और मिट्टी से बनती है, ईंटें मिट्टी से बनती है। और मिट्टी और पत्थर कहाँ से आते हैं, है ना? तो ये कुदरती तौर से दुनिया में पहले से मौजूद है। ठीक है, कुदरती तौर से मतलब पहले से मौजूद है। तो वैसे बहुत सारी चीज़ें जो इंसान ने बनाई है, और इंसान जो भी चीज़ बनाता तो उसको बनाने के लिए इस्तेमाल जो है कुदरती चीज़ों को करता। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जो इंसान मतलब बना रहा है तो उसमें कुदरती चीज़ का इस्तेमाल नहीं हो। देखो अभी जैसे कि ये टेबल है, लकड़ी का है ना। लकड़ी कहाँ से आई? दरख्तों से आती है ना। कहाँ से आती है? तो दरख्त क्या है? कुदरती चीज़ है ना, पहले से ना, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ है, कुदरती चीज़ हुई। तो ये टेबल भी जो है इंसान के जरिए बनाया हुआ है, मगर कहाँ से आया हुआ है? कुदरत की चीज़ें इस्तेमाल इसमें की गई है। ठीक है, अब जैसे कि कोई लोहे की चीज़, साइकिल ले लो आप, साइकिल आती है अपनी, साइकिल किसकी बनी हुई रहती है? लोखंड की। बनाता कौन उसको? इंसान। बनी हुई किसकी? इंसान ने बनाया हुआ है, मगर बनी किससे वो? लोखंड कहाँ मिलता है ना? लोखंड कहाँ मिलता है? खदानों के अंदर, यानी जमीन के अंदर से लोखंड को निकालते हैं, है ना, उसके बारे में टुकड़े निकालते लोहे के, तो उसकी खदानें रहती है ना, खदानें रहती है, खदान से लोहा मिलता है। हाँ, तो लोहा कहाँ, लोहे के जो टुकड़े वो कौन से? कुदरती चीज़ है, इस्तेमाल उसका भी हुआ ना इसके अंदर। तो जो भी चीज़ इंसान बनाता उसके लिए वो कुदरत की चीज़ों का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अभी अपन देखेंगे कि इसमें कौन सी कुदरती चीज़ें हैं और कौन से इंसान के जरिए बनाई हुई चीज़ें। तो दो दो चिट्ठियाँ है, तुम बताओ क्या क्या है तुम्हारे पास में? कुदरती है, इंसान के बनाया हुआ है, कैसे इंसान। है ना। खाने में हम लोग गेहूं, ज्वार, ये सब इस्तेमाल करते हैं, है ना, वो कुदरती है, मगर उसको बना कौन रहा है? सबको एक जगह मिक्स कौन कर रहा है? इंसान कर रहा है। तो खाना जो है इंसान के जरिए बनाई हुई चीज है, मगर उसमें जो इस्तेमाल होने वाली चीज है कुदरती है। ठीक है, ये हो गया। इसका दूसरा कौन सा है? पानी। पानी क्या है? क्या है? कुदरती चीज है ना, सच्ची है ना, पक्का? ठीक है, कुदरती चीज। तुम बताओ तुम्हारे पास में क्या है? सोडा। अच्छा बताओ, सोडा कुदरती चीज है कि कैसा है? कैसी है? देखो अब सोडा बनाने के लिए हम लोग क्या, पर सोडे में क्या होता है? पानी होता है और गैस होती है ना। उसको बना कौन रहा है, मतलब पानी और गैस अलग अलग है ना, उसको एक जगह कौन कर रहा है? मशीन के जरिए इंसान कर रहा है। तो किसके जरिए बना हुआ सोडा? इंसान। उसमें इस्तेमाल होने वाली चीजें कौन सी है ना फिर? वो कुदरती चीजें, पानी और गैस। ठीक है, दूसरा क्या है? पेन। पेन क्या है? इंसान के जरिए बनाई हुई है, कुदरती है। कैसे? कुदरती है, झाड़ों पे उगते के पेना नहीं, मशीन फैक्ट्री में बनते ना, इंसान ने बनाया हुआ है। ठीक है, तुम्हारे पास घर। अच्छा घर किसने बनाया हुआ है? इंसान की बनाई हुई चीज है। ठीक है, ओके। और दूसरा पत्थर। पत्थर कैसा है? कुदरती है ना, क्यों? क्योंकि वो पहले से दुनिया में है, पहले से मौजूद है, इंसान ने नहीं बनाया इसको। तुम्हारे पास दरख्त। दरख्त क्या है, कुदरती है या फिर? कुदरती। कुदरती है, क्यों? क्योंकि वो पहले से इंसान ने लगाते हम लोग, बट हमारे लगाने के पहले भी तो थे ना, जैसे कि हम लोग झाड़ लगाते ना, उसके पहले से भी तो बहुत सारे झाड़ लगे हुए है ना, तो कुदरती हुए ना फिर वो, हम तो लगाते ही है मगर वो कुदरती है, पहले से है वो, हमारे से पहले से, हम लोग बीज निकाल के बीज लगाते हैं, वो पहले से मौजूद है यहाँ पर, तो वो कुदरती हुए। स्कूल। स्कूल ये क्या है? इंसान ने बनाया है। इंसान ने बनाया हुआ है, चलो ठीक है। लकड़ी। तो फिर क्या हुआ? कुदरती हुई। साइकिल। इंसान ने बनाया हुआ है, बिल्कुल सही। समझ में आ गया फर्क, इंसान के जरिए बनाए और कुदरती चीजों में क्या फर्क है? तो